मते न्याय मिलू मु निर्दोष दोषी को दंड मिलू निर्दोष को न्याय मिलू मु सुधरिबा को चाहूची जदि मते थरे सुजोग मिले ताहाले मु मो स्त्री पिला छुआ को धरी खुशी रे घर संसार करबी मते न्याय दिया छौ पुलिस मिछ मामला करी एनकाउंटर करबा पाई मते खोजुची हेले मु निर्दोष तबे दर्शक बंधु एमिति किछि निजो सोशल मीडिया जरिया रे गुहारी करछंती गैंगस्टर शकील मु जेबे वीडियो टा बनेली मोर वीडियो बने माने या होजी कि मते इंसाफ मिलू माननीय मुख्यमंत्री तरफ मते इंसाफ मिलू आमर उच्च न्यायालय जो अच्छी आईन अच्छी आमर से आईन रु मते इंसाफ मिलू आईन माने या कि दोषी को दंड दिया जाए ता नुह आईन माने या भी अच्छी कि निर्दोषी को इंसाफ दिया जाओ मु एबे निर्दोष अच्छी आ मु इंसाफ दरकार मते मु चाहूजी कि मते इंसाफ मिलू यदि मो 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 सांगर भलो इंसाफ हबो ता मो फैमिली को नहीं कि मो माइकिना पिला छुआ को नहीं भल समाज मुख्य सतर रही भल हवा चाहूँगी आ समाज आह्वान दौर कि जो अपराधी अच्छा से समाज मुख्य सतर आसवे आम सपोर्ट करूँ लेकिन ये उल्टा होम को एनकाउंटर कर खोजा होम गुहारी करूँ कि आमको इंसाफ मिला जाऊ तबे सकिल को एक किछि दिन हला पुलिस खोजुची बोली से कहिछंती तांको सोशल मीडिया पोस्ट रु स्पष्ट जणा पडुची जे से पुलिस रो चापरे आसी डरी जाइछंती आ सोशल मीडिया रे एपरी वीडियो पोस्ट करिछंती तबे दर्शक बंधु आसंतु सुनिबा सकिल एबसेरे कोन कहुछंती मेरा घर कटक में मेरा वीडियो बनाने वजह ये है कि अभी का कुछ दिन से पुलिस वाले मेरे को जोर शोर खोज रहे हैं फेक एनकाउंटर करने के लिए जो कि मैं कोई क्राइम एक्टिविटी में नहीं हूँ ना मैं कोई क्राइम एक्टिविटी वाले आदमी लोग से भी घूमता भी नहीं हूँ ना मेरे नाम में कोई सा एलिगेशन है ना FIR है कुछ नहीं है मेरे नाम में तब पर पुलिस वाले 8-10 दिन से मेरे को ठुके खोज रहे हैं और चारों तरफ मैं सुन रहा हूँ कि पुलिस वाले मेरे को फेक एनकाउंटर करने के लिए खोज रहे हैं और मैं अच्छी तरीके जानता हूँ कि पुलिस वाले झूठ केस मेरे को लगा सकते हैं बारम्बार तो एनकाउंटर करना कोई बड़ा बात नहीं है पुलिस वाले के लिए पुलिस वाले एनकाउंटर कर देंगे और बोलेंगे कि पुलिस हम लोग पकड़ने गए और हमको वो गोली चलाया और हमको गोली चला दिए ये मामला हर कोई जानता है हर कोई किसी को मालूम है पुलिस वाला एनकाउंटर कैसे करते हैं क्या करते हैं हमको भी अच्छी तरीके से मालूम है अभी का मैं जब से जेल से निकला हूँ मैं अपना थाने वाने को जाता था हफ्ते हफ्ते हाजिर देने जाता था उसके बाद मेरे को तड़ीपार करेगा मैं तड़ीपार सुन के पुलिस का बात सुन के न्याय का आइन का बात सुन के मैं तड़ीपार हुआ 6 महीना 6 महीना तड़ीपार होने के बाद में मेरे घर को आया तो फिर से मैं थाना वाना गया हर दिन गया हफ्ते हफ्ते गया हाजिर डाला फिर एक दिन अचानक मैं थाने को गया थाने में बैठा दिए बैठा के मेरे को केस दे दिए 2-4 महीने के बाद मेरे को केस दे दिए 6 केस दे दिए वो मेरे मामू का बड़ा भाई है वो 420 केस चीट फंड केस वो क्या किया था मेरे को उसके बाद कोई मतलब पता भी नहीं था ना मेरे को मालूम भी नहीं था ना उसके पहले उसके नाम कोई केस था जो मेरे को पता चलता तो मैं वो अलग मैं अलग तो मेरे को 6 केस लगा है कटक रु आरित कुमार महापात्र को रिपोर्ट खबर ओडिशा।